तो गाइस मैं प्रेस्टो से कम 5 से 6 बसेस चेंज कर लिया और 86 सी बिल्कुल टाइम पे आई, तो मेरे को फ्री ट्रांसफर मिल जाएगा। गाइस अभी मैं A234 मारा जाके यहाँ पर, आई गेस पे बोल गिफ्ट कार्ड आ रहा है, आई होप 1000 से 3000 डॉलर्स का। अभी ये चॉकलेट ट्राई करने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, ऐसे गुड आफ्टरनून है ये। हाँ तो मैं बहुत गलीज एक्सेंट में बोला गुड मॉर्निंग गाइस, बकवास। एक्चुअली देखो ये है धूप का आलम आज। ओके हाँ तो धूप का आलम इतना भयानक है आज, हॉल में बैठ ही नहीं सकते। ओ माय गॉड बहुत ख़राब धूप है, आंखों में चुभरी धूप है सब है ना। हाँ तो बेसिकली आज का दिन नॉर्मल शुरू हुआ था, सुबह में लेट ही उठा ऑब्वियसली बात है, फिर ब्रेकफास्ट करा और अब कहीं जाने का प्लान सोच रही हूँ। देखो पूरी बर्फ़ निकल गई टूट जाने से पहले। हाँ तो रुको अभी पलटा के बता दो कैमरा। देखो इतनी भयानक धूप है और इतना ब्राइट है आज का दिन, पूरी बर्फ़ जहाँ पर भी धूप पड़ी ना वहाँ पर पूरी पिघल गई। देखो इधर देखो, वहाँ देखो, वहाँ सुबह से पड़ी तो वहाँ पूरा पिघल गया, वहाँ पर नहीं पिघल गया जो ट्रीज की छाँव आ रही है सब ये सब। नहीं आज की धूप बहुत अच्छी है, लेकिन अब बाहर कहाँ जाऊँगा सोच रहा हूँ मैं, सोच तो अगर कहीं हुआ तो बाहर निकलता हूँ। फिर सम रीज़न बहुत अच्छा दिख रहा है आज मेरे को, मेरा रूम सिर्फ अरेंज करा बल्कि सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही पड़ा डाल देता हूँ मैं रोज़। आज आते हैं पूरा अच्छा जमा दिया, बल्कि देखो ब्लैंकेट जमा दिया, रूम जमा दिया, सब कर दिया, गुड वर्क। देखो धूप लग गया तो भी अंदर तो ऐसी भयानक धूप है। देखो आज वो कपड़ों को लाइट ला अपना थोड़ा सा, देखो ऐसा हो रहा है आज, देखो बता दो पूरा धूप कैसे दिख रही है आज। फुल भयानक धूप है ये बालकनी। मैं जो ना बाहर जाऊंगा बल्कि सोचा था अभी धूप की वजह से, लेकिन मेरे को बेड शीट सही खराब, धूप इतनी अच्छी आ रही तो मैं सोचा थोड़ी देर लेट के जाएंगे, बल्कि वैसे भी धूप चल जाने वाली है, ऑलरेडी सन सेट होने आ रहा, लेकिन अभी 1 घंटा है आराम से, तो जाएंगे 2 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर बाहर निकल के कुछ तो भी करके आएंगे। क्या तो भी भैया थके हुआ तो भी इतनी जल्दी नहीं सोता मान लो मैं नॉर्मली, क्या बोलेंगे मैंने थैंक यू फॉर सनशाइन, वो गाना बहुत ट्रेंड करा, थैंक यू फॉर सनशाइन थैंक यू फॉर, याद नहीं गाना मेरे को लेकिन स्टिल। चलो गाइस अभी तो मैं क्या सोचा मानूँ, अब कुछ भी बहाना ना को अपने को, अब जाके सीधा अपन बाहर वॉकिंग पे जाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कनाडा में, बेसिकली जब सर्दियाँ चलते रहते कि बाहर वॉकिंग पे जा सकते, तो चलो आज वॉकिंग पे जाएंगे अपन, और मैं आप लोगों मेरे साथ लेके जा रहा हूँ ऑब्वियसली बात है, कि फ़ोन मेरे साथ हो तो आप मेरे साथ कुछ शूट कर सकूँ। चलो जाएंगे। और नहीं मारा मैं मोटा हो गया बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा, हवा नहीं चली, एक्चुअली गर्म ही है यहाँ पर, उतनी ख़राब नहीं है सर्दी। मैं बोला मैं ऐसा नीचे रख के, लास्ट टाइम देखा अपना ब्लॉग तो बहुत ख़राब आ रहा था। देखो ये स्नो से चल लेते जाना है और मैं ऐसे जूते पहना, होप आई डोंट गेट वेट, बट चलो जल्दी जाएंगे, अभी फुल वॉकिंग करने वाला हूँ मैं 1.5 घंटा, कोशिश तो बस है। मैं घुमा लूँ वैसे 1.5 घंटा में होने वाली है, सन आप लोगों को दिख रहा, मेरी सूरत नहीं दिख रही वो अलग बात है। अब ये है टेनिस कोर्ट, घर के पीछे टेनिस कोर्ट है, लेकिन ये स्कूल का है, आई गेस वहाँ पर एक स्कूल है। देखो हर कॉलोनी में एक स्कूल रहता है, मैं इतना पता इससे पहले ही बोल चुका हूँ लेकिन फिर से बोलता रहता हूँ, बिकॉज कुछ तो बातें करते रहना वरना आप लोग फिर से बोलवाते हैं। एंड या एक्चुअली ऐसा दिखा है तो मैं दिखता हूँ, ऐसा दिखा है तो सन दिखता। ओके चलो कहीं और जाएंगे अब, वो है कोई और बिल्डिंग, ये है हम लोग की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में अपन जिम करते हैं, और वो देखो वहाँ पर अपना जिम है, नीचे अपन टाइम पास करने जाते सो, और वहाँ पर गेट है, मैं इससे पहले कभी गेट देखा तो नहीं वहाँ। ओके ओके समथिंग डिफरेंट टुडे, चलो आज वॉकिंग करेंगे अपन फुल आस। एक्चुअली मैं वॉक आराम से कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ की ठंडक नहीं है होती और धूप भी है, अगर मेरे को ठंडक हुई भी तो मैं ऐसा धूप में आ जाता हूँ, और धूप में तो थोड़ी गर्मी होती, वापस ठंडक में चल जाता हूँ। ओके गुड, यहाँ से जा सकते क्या अपन, लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो, नहीं आ सकते, आई ले फंस गया मैं, हाँ मैं फंस गया, बिल्डिंग के वो तरफ जाना पड़ता। चलो गाइस मैं वॉकिंग में थोड़ी देर और अच्छी खासी देर वॉकिंग करता हूँ और थोड़े शूट करता हूँ, मतलब वॉक कर उसे शूट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलता हूँ। वाह कितना अच्छा दिख रहा है ऐसे, ओ माय गॉड, एक्चुअली मैं यहाँ पर शूट कर सकता हूँ, मेरी फ़ोटो ले सकता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, कोई बात नहीं, डीजे ही नहीं लेके आया मैं, और मैं वो रील शूट कर रहा था ना जब शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स शूट कर था, डीजे ख़राब भी हो गया था, तो नो मैटर व्हाट, अब देखना है पर क्या कर सकता हूँ मैं।
प्लीज कितना अच्छा खत्ता खूबसूरत दिख रहा है, स्नो है, मेरा हाथ है, सन है, पेड़ा है, ग्रीनरी है, everybody act like the answer, one love like in the movies, wasting precious time assuming. Oh, 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 what we made to fall. I don't know if this thing captured me doing that stuff. Okay, 42 seconds each way. Actually, man, it's a very good idea. I can keep it somewhere where I can show you myself walking. After that, zabardast tarika se chalo isko yahan rakhenge. Koi chori to nahi karta mostly. Kar liya to kya hota, sirf 1 lakh ka nuksan hota na. Main sirf 1 lakh ka nuksan hota, kaha rakhu isko. यहाँ नहीं आ रहा वो, आई गेस यहाँ ना क्या गाइस, अभी रखने की जगह नहीं मिल रही, वहाँ पर बहुत अच्छी जगह थी रखने की, आई थिंक कहीं और रखना पड़ेगा. कहाँ रखूँ, यहाँ रखेंगे, आई होप तो यहाँ पर रखना आसान नहीं होगा. मुंडे पागल ने सारे गलां वड्डियां वड्डे लाल, उम्र दी हौली अड़िए तू नी बच के रे. मुंडे पागल ने सारे गलां वड्डियां वड्डे लाल, उम्र दी हौली अड़िए तू नी बच के रे. इना ने चली कर जाना लोकां विच कली कर जाना सा देखिए ये सब काम कर सकते अगर सन आ गया तो, और सर्दी नहीं है तो. अब मैं एक बार फोन से सुन ले तुम्हें को क्या बोलते थे कि आवाज़ आ रही मेरी या नहीं आ रही, उसके बाद आई विल डू मोर लाइक द स्टफ. लाइक मज़ा आई मेरे को सब भाग लगे. देखो ऐसे स्नो में सिर्फ मेरे अकेले के पैरा कितनी अंदर तक है. देखो स्नो वही दब जा, इतना पूरा है स्नो यहाँ पर. लोग मेरे को ऊपर से देखे पागल है समझ रहे, लेकिन क्या मालूम मैं ब्लॉग कर रहा हूँ बल्कि, या फिर मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ बल्कि. चलो यहाँ ऊपर जाएंगे, बहुत खूबसूरत दिख रहा है आपसे सनसेट. ये अब सनसेट का टाइम हो गया, इट्स ऑलरेडी 4:30. लाइक इंडिया में 6-7 बजे तक होता, लेकिन मैं यहाँ पर 4:30 बजे तक हुआ था. यहाँ की पूरी बर्फ़ पिघल के देखो, बिकॉज सन यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. एक्चुअली मैं बैठ सक तो क्या यहाँ पर भी, आई डोंट वांट टू सेट, कहीं मुझे कच्चा अच्छा लगा तो अच्छी बात नहीं. इसको के लिए बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर. तो बेसिकली अगर कैनेडा में वेदर अच्छा रहा तो ये आलम रहता, बाहर स्ट्रीट पे लोग आए रहते. मैं लास्ट टाइम आप लोग याद है कि नहीं, कि रात में निकला था, 2-3 दिन पहले की बात है, रात में निकला था और बहुत सर्दी के टाइम में निकला था, -11 के टाइम पे निकल के सिर्फ वो ब्रिज के पास गया था, कोई भी नहीं थे सिपाही आदमी के. आई थिंक ही वेंट फॉर ग्रॉसरीज एंड ही डिडंट हैव एनी कार. वो सर्दी की वजह से कोई वर्ड सही नहीं आते, तो डोंट माइंड. हाँ तो अब देखो सर्दी नहीं है ज़्यादा और सन निकला, बल्कि इतने सारे लोग बाहर निकले. दैट इज़ हाउ इट इज़ ब्रो, लाइक समझ रहे हो. अपन आ गए ब्रिज के पास तक और देखो ये इतना अच्छा दिख रहा है आज, और कितने सारे लोग हैं निकले हुए बाहर. वाह आज इतना सनी डे है कि सब दिख रहा, क्या ही ज़बरदस्त दिख रहा, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है. चलो अब क्या करेंगे, घर को जाएंगे. नॉट बिकॉज मेरे को सर्दी हो रही,
बट या सड़ गई। चलो ज़्यादा देर बाहर रहे तो ऑब्वियसली 1 डिग्री या 2 डिग्री चल रहा माइनस में, तो उतना बॉडी टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता ना ज़्यादा देर बाहर रहे तो। सो आई डोंट हैव टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, बट चलो घर को जाएंगे वापस। हो गए आज मेरी वॉक और लेट्स गो गाइस, सनसेट हो जाने वाला है। बाय सन, आई विल मिस यू अ लॉट, आई विल रियली मिस द सन अ लॉट। लाइक इतना अच्छा टाइम दिया उन्हें हमने, कितने दिन के बाद आएंगे कि ओके चलो आई होप कल आ जाना, तुम कल आ जाता सन वापस। लाइक आज की तरह ब्राइट आना से पता ही, नॉर्मली इतने ज़्यादा सन नहीं रहता है फिर, मतलब सनलाइट वो सब नहीं रहती ज़्यादा, सिर्फ स्नो रहता, कभी क्लाउडी रहता, सन नहीं दिखता। और आज का दिन बहुत अच्छा था, आज का वेदर बहुत अच्छा था। लेट्स गो इनसाइड, मैं ऑलरेडी आधा घंटा वॉक कर लिया आई गेस, और थोड़ी देर वॉक करने वाला हूँ। बट देखो गाइस, सन जा रहा अपने को आज छोड़ के, बेसिकली मेरे नाम का मतलब भी सन है, सो आई एम गोइंग अवे। लाइक मैं चाहे तो बुला सकता हूँ आई गेस सन को, आ जा ऊपर वापस आ जा। ओके फाइन, लेट्स एंड दिस काइंड ऑफ जोक्स और चलो घर के अंदर जाएंगे। मैं अभी घर से बाहर निकला, मेरे बाल अच्छे नहीं दिख रहे, नो डाउट, वो बात अलग है। मैं अभी घर से बाहर निकला, निकलते ही सोचा कहीं तो भी जाएंगे, लेट्स गो, आज का वेदर इतना अच्छा है कहीं तो भी जाना बनता ब्रो बोल के निकला, और वेदर मनहूस होके पड़ा हुआ है, घटिया सर्दी है यहाँ पर। ओके मेरे बाल बहुत खराब दिख रहे, हाँ तो बेकार की वाली सर्दी है यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ घर को वापस जाना। और देखो अगर मैं गया तो भी यहाँ से दो जगह जा सकता हूँ, एक फेयरव्यू जो अपन बहुत कम बार गया, लेकिन वो 1 घंटे में बंद होने वाला है और मेरे को पहुँचने वहाँ पर 1 घंटा लगता, और एक STC जो अपन कम से कम 3-4 बार चले गए, वेरी फ्रीक्वेंट जाते रहते अभी वहाँ पर अपन, तो आई गेस अभी घर को जाना बनता। और क्या मैं STC अभी जाऊँ, देखो मेरे को सिर्फ ऐसा पलट के चलाने का है, एंड दैट्स इट ऑल। अभी एक डॉग सडनली मेरी तरफ आने वाला था, उनके ओनर बचा लिए, अब क्या बोलेंगे ऐसे डॉग, अब मैं STC नको जाऊंगा बोले तभी, अब मैं पीछे गया तो फिर से वो डॉग से आमना सामना होता है, इससे पहले मेरे को STC चल जाना पड़ता अपने मालूम खत्म। मैं अच्छा है ना डॉग से बचने के लिए, कम से कम STC जाके आ जाता हूँ, पहले एक लेट हरू 85 है वहाँ खड़ी हुई है, वो वाली भाग गई मेरे को देख के भी भागी, बदमाश है वो 85 बहुत बदमाश, गुस्सा आ रहा है उस पर मेरे को, कम ऑन यार, मैं सिग्नल लिटरली 5-4-3-2 पर था, मैं वहाँ से भाग लेके आया, नहीं लाइक रनिंग नहीं फास्ट वॉकिंग, चले गए मेरे को देख के, शिट। फिर से एक और एक स्टॉप आगे उतर गया था मैं, तो वापस जा रहा हूँ। चलो गाइस एट लास्ट अपन आ गए STC में, जो अभी आधे घंटे में बंद हो जाने वाला है, विच इज़ नॉट गुड। लाइक अब आए इतने कुछ 2 मिनट रुक के तो जाएंगे अपन, चलो यहाँ से अपन या तो सबवे ले लेंगे या तो मेट्रो ले लेके चल जाएंगे वापस, 86 पकड़ लेके, लेट्स सी। STC वही जो बोरिंग है, लेकिन आज पब्लिक ज़्यादा है बिकॉज ऑफ संडे। अभी ये चॉकलेट ट्राई करने वाला हूँ गाइस, अभी मैं 8-34 मारा जाके यहाँ पर, आई गेस कोई बोनस गिफ्ट कार्ड आ रहा है, आई होप $1,000 to $3,000 का आ जाना। ओ माई गॉड, वेट अ सेकंड, आई विल सेल यू इफ देर इज समथिंग न्यू, लाइक अगर गिफ्ट कार्ड सही में आ गया या फिर रिसिट आ गई बोल तो, ओ शिट डूड, इट वॉज अ क्लियर गेस डूड, फालतू के होप्स दिया है, कुछ भी नहीं, वापस ऐसा हो गया, चलो फिर से ट्राई करेंगे। परचेस विद कार्ड $500, $1,000, $100, $50, $1,000। चलो यहाँ से जाएंगे अब। अपन STC से निकल गए, दूसरी बस पकड़ के किंगस्टन रोड पे आ गए, जहाँ पर मेरे को 86C पकड़ना है। वाओ क्या करेंगे, चलो 86C का वेट करना है, आई गेस उन्हें बहुत देर के बाद आने वाली है, क्योंकि मुझे गूगल मैप से तो बता रहा था, अब वेट करना तो वेट करना पड़ेगा, चलो वेट करेंगे। तो गाइस मैं आज प्रेस्टो से कम 5 से 6 बसेस चेंज कर लिया, और 86C बिल्कुल टाइम पे आई, तो मेरे को फ्री ट्रांसफर मिलने वाला है, लेट्स गो। तो गाइस अभी तो मैं घर पहुंच गया, और जो है ना लिफ्ट से सीधा ऊपर जाने का है, लिफ्ट हाँ। तो आज का दिन कैसा रहा वो तुम्हें सिंपल वर्ड्स में, सक्सेसफुली मैं जो है ना 5 बार स्लिप होने से बचा, गिरने से बचा बेसिकली, एंड सक्सेसफुली आई बोर्डेड 6 बसेस विद द प्रेस्टो कार्ड अंडर 2 आवर्स, एंड सक्सेसफुली वी आर एंडिंग टुडेज व्लॉग ओवर हियर, एंड दिस वाज नॉट एज परफेक्ट एज द स्क्रिप्ट व्हिच आई थॉट ऑफ, बट या मीट यू गाइस टुमारो।